लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो, प्रोग्राम है स्वीट होम शो। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। और सर, मैं देख रही थी कि आप फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो फार्माकोलॉजी क्या होता है? मैंने अपने तौर पे तो बहुत कुछ इसको स्टडी करके आई, लेकिन मैं चाहूँगी कि ईजी वर्ड्स में आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि फार्माकोलॉजी क्या होती है और आप उस तरफ कैसे गए। देखिए, फार्माकोलॉजी जो है ये बेसिकली फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है, और जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज है जी। तो उसके अंडर में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से एक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी है। और फार्माकोलॉजी बेसिकली हम उसमें ये स्टडी करते हैं कि जो हम दवाएँ इस्तेमाल करते हैं यानी एलोपैथिक मेडिसिन, तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी में जाकर किस तरह से रिएक्ट करती हैं और हमारी बॉडी उनके ऊपर उनको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। यानी हमारे जिस्म में जो इसका दवा का पूरा एक रूट होता है कि यानी एंट्री से लेकर दवा जो है वो ज़ाहिर है पहले हम उसको अगर हम ओरली कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है, फिर वो एब्जॉर्ब होती है, फिर उसके बाद मेटाबोलाइज होती है, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर उस अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुँच के वो काम करती है और फिर उसके बाद वो बॉडी से एग्जिट होती है, यानी उसकी एक्सक्रीशन का भी एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है। तो ये सारे की सारी डिटेल्स जो हैं ये हमारी फार्माकोलॉजी की फील्ड के अंदर हम स्टडी करते हैं, और इसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं इसको। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है उसके अंदर ये मालूम होता है हमें कि इस दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उस दवा का एब्जॉर्प्शन कितनी देर में हो रही है और वो कितनी देर में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी और कैसे वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। फिर इसी तरह से जो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, जो बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट्स आते हैं, उनको हम जो है वो फार्माकोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी जो है ये ड्रग और ह्यूमन बॉडी का इंटरेक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करती है डिटेल में।